तो स्वागत है आपका वापस से पोकेमॉन अलोला सीरीज के सीजन 21 के एपिसोड सेकंड में। और अगर इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड है, जाके जरूर से देख लेना यार। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसके पहले के एपिसोड में थोड़े से लाइक कम पड़ रहे हैं, तो यार जाके उसको जरूर से पूरा कर देना। अभी तो मैं ये एपिसोड ला दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लाइक एम पूरा नहीं करोगे तो यार शायद ही वीडियो बना पाऊंगा, इसीलिए लाइक एम जरूर से पूरा करना। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 85, तो जल्दी जल्दी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। स्टार्ट करते हैं एपिसोड को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड का नाम यू सी देम नाउ यू डोंट। एपिसोड स्टार्ट होता है ये साथ, जो लिली होती है वो एक डायरी लिख रही होती है। मतलब मैं भी सिखाया जाता था ना यार डायरी लिखना, वही लिली डायरी लिख रही होती है और जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था वो बताती है कि कैसे उसे एक नया पोकेमॉन लाया जिसका नाम उसने नेबी रखा, जो कि उसे बहुत प्यारा लगता है। फिर हम प्रोफेसर कुकुई के घर पे देखते हैं जहाँ पे कि ऐश सभी को खाना खिला रहा होता है, और तभी जो प्रोफेसर कुकुई होते हैं वो ऐश को कहते हैं कि तुम अपना टिफिन भी मत भूल जाना और स्कूल के लिए लेट मत होना। तो ऐश यहाँ पे सबको बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर हम स्कूल के तरफ देखते हैं जहाँ पे कि टीम रॉकेट ने अपना एक ठेला लगाया होता है, मतलब ठेला नहीं वैन लगाया होता है, जिसपे वो पफ बेच रहे होते हैं जो कोई भी खाने नहीं आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे ऐश आता है जिसके मुंह से तो लार टपक जाती है क्योंकि उसने कुछ भी खाया नहीं हुआ होता है। भी उसे रोटोम बताता है कि तुमने टिफिन लाया है तो तुम बाद में खा लेना या फिर इसे आते वक्त खा लेना। तो ऐश यहाँ पे वापस चला जाता है, तभी जो टीम रॉकेट होते हैं वो नेबी को उसके पास देखते हुए कहते हैं कि ये कौन सा पोकेमॉन है, इसके बारे में तो हमने आज तक नहीं जाना। तो जो जेम्स होता है वो कहता है कहीं ये कोफिन्स का प्री विकसित रूप तो नहीं है, इसको लगता है कि ये प्रोटो कॉफिन होगा। तो फिर वो लोग उसको पकड़ने का डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि प्रोफेसर कुकुई क्लास स्टार्ट कर देते हैं और इस बार उन्होंने सभी को ये टास्क दिया है कि उन सबको क्ले से अपने पोकेमॉन पार्टनर का शेप बनाना है। तो यहाँ पे सभी लोग बड़ी जी जान से मेहनत कर रहे होते हैं। लिली पॉपलियो का सफकल्स एक ईंट बना देता है, तो तभी उसे कुकुई कहते हैं कि तुम्हें ईंट नहीं बनानी है, तुम्हें टोगेटमारू का शेप बनाना है। यहाँ पर ट्रेनोटर का शेप बना तो देता है लेकिन वो काफी ज्यादा झुक जाता है क्योंकि उसका सेल बहुत भारी होता है, तो वो चेंज करता है उसे। जो ऐश होता है वो पिकाचू का मिमिक्यू की तरह दिखने वाला एक पुतला बना देता है। फिर यहाँ पे हम नेबी को देखते हैं जो कि सफकल्स के पास जाता है और उसे गर्ल्स के पास जाता है, उसे टेलीपोर्ट कर देता है और वापस भी ला देता है। तो सफकल्स यहाँ पे शॉक होता है कि क्या मैं कहीं और गया था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो नेबी होता है वो अब मेलो के पास जाता है और उसे गुरु के पास ट्रांसफर कर देता है, मतलब ट्रांसलिपोर्ट कर देता है, जिसे देखकर मेलो भी शॉक होती है लेकिन वो वापस आ जाती है, तो उसे कुछ समझ नहीं पाता ही है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग इस बार ध्यान देते हैं तो लिली भी अचानक से गायब होकर वापस आ जाती है। और फिर सभी लोग अचानक से देखते हैं तो जो किबावे होता है वो गायब होकर अपने बाल में आग लगाकर वापस आता है। तो यहाँ पे ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसका मतलब किबावे को टेलीपोर्टेशन आता है। किबावे कहता है क्या तुम पागल हो, मैं टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकता हूँ। तभी लिली बताती है ये जरूर नेबी कर रहा होगा, मैंने उसे देखा था। तो सभी लोग पूछते हैं कि अब नेबी कहाँ है, तो भाई ऐश कहता है कि नेबी तो तुम्हारे पीछे ही है लिली। तो जैसे ही नेबी लिली को टच करता है वो बिल्कुल ही सुन पड़ जाती है, जिस वजह से वो कहीं भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाती है। तब तक आप मुझे ये बताओ ये कौन सा पोकेमॉन है, तो ये है जिग्लीपफ। फिर यहाँ पे सारा माहौल शांत हो जाता है और ऐश जो है नेबी को ले आराम कर रहा होता है। फिर जो लोग बात कर रहे होते हैं कि नेबी ये कैसे कर पा रहा था, तो तभी रोटम बताता है कि ये होता है टेलीपोर्टेशन, जिससे कि एक पोकेमॉन ऐश नेबी को टच कर ही रहा होता है। तभी वो रोना स्टार्ट कर देता है जिसे कोई भी चुप नहीं करा पाता है। सभी लोग बहुत अजीब अजीब फेस बनाते हैं लेकिन उसे कोई नहीं चुप करा पाता। के बाद हम देखते हैं कि जो ऐश है वो नेबी के साथ खेल ही रहा होता है, तभी वो नेबी है वो टेलीपोर्ट हो जाता है जिग्लीपफ के पास। और वहाँ पे जो जिग्लीपफ है वो गाना स्टार्ट कर देती है, और तुम्हें पता ही है जब जिग्लीपफ गाना गाती है तो क्या होता है, मतलब सभी लोग सो जाते हैं यार वहाँ पे। उसके बाद जिग्लीपफ गुस्सा हो जाती है और उनके मुंह पे मेकअप बना देती है। तो यहाँ पे ऐश की नींद खुलती है और वो कहता है कि हमें थोड़ा पानी चाहिए होगा मेकअप ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे जो नेबी है वो ये सुन लेता है और उनको समुद्र के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। तो ऐश कहता है यार इतना भी पानी नहीं चाहिए होता है। जो नेबी होता है वो उसको अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर रहा होता है और वो उसे टीम रॉकेट के पास ला के छोड़ देता है। यहाँ पे जो टीम रॉकेट है वो अपना डायलॉग बोलती है और ऐश को कहती है कि तुम अपना प्रोटोकॉफिन हमें दे दो। ऐश कहता है कि प्रोटोकॉफिन क्या है, वो कहते हैं जो पोकेमॉन तुमने अपने हाथ में पकड़ा है। तो इस पे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे बैटल कर। जो जेम्स और म्याउथ होते हैं वो जेसी को छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पे जेसी अपने मिमिक्यू पोकेमॉन को बाहर निकालती है। तो यहाँ पे बैटल स्टार्ट होती है, पिकाचू स्टार्ट करता है इलेक्ट्रोबॉल के साथ जिसे मिमिक्यू बड़े आसानी से खत्म कर देता है। वो लोग ऐसे राउंड लगा ही रहे होते हैं कि ऐश के ऊपर बहुत तेज सन की रोशनी आती है जिससे कि ऐश कुछ भी देख नहीं पाता है। तभी जो म्याउथ क्या करता है चीटिंग से नेबी को वहां से उठा के वो लोग वहां पे सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ पे कहीं से भी बीवर पोकेमॉन ना आ जाए। वो लोग ऐसा सोचते ही हैं कि जो नेबी होता है उनको बीवर के पास टेलीपोर्ट कर देता है। फिर से बीवर उन सबको पकड़ के गुफा में डाल देता है। उसके बाद जो नेबी है वो ऐश के बारे में याद करके वापस से ऐश के पास चला जाता है। पीछे का पता चलता है कि जो ऐश के सारे दोस्त थे वो ऐश को ढूंढने के लिए निकले थे क्योंकि ऐश बहुत समय से घर पे नहीं आया था।
सभी लोग ऐश को ढूंढते ढूंढते बीच पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि ऐश उन सबको टीम रॉकेट के और नेबी के बारे में बताता है कि नेबी कैसे उन सबके साथ चला गया था और वापस मेरे पास आ गया और अभी तो ये आराम कर रहा है। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से प्रोफेसर कुकुई को ढूंढना होगा क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारे हैं। वो कहता है अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हमें तो स्कूल जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो नेबी है वो उठ जाता है और ये बात सुनते ही वो उन सबको स्कूल के पास टेलीपोर्ट कर देता है, स्कूल के छत पे, मतलब यार वे टॉप दिख रहा है ना तुम्हें, वहाँ पे। अभी लोग वहीं पे फंस जाते हैं और सब लोग कहते हैं यार किसका आइडिया था हमें यहाँ लाने का, हमें स्कूल में छोड़ना था, मतलब रूम में छोड़ता है यार। के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ यार, माफी चाहूंगा पोकेमॉन लव जर्नी का एपिसोड डिले करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया था क्योंकि मुझे इस एपिसोड को भी बनाना था, इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार जो एपिसोड है वो 8 मिनट का ही आएगा, कंफर्म है ये। ओके, तो वीडियोस को प्लीज़ फुल वॉच करना और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर देना यार, और मिलूंगा मैं तुम्हें किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय।